दोस्तों नमस्कार। इस समय सबसे ज्यादा चर्चा मोहम्मद शमी को लेकर हो रही है कि क्या वो T20 वर्ल्ड कप के लिए उपलब्ध हो पाएंगे। वैसे उनका ऑपरेशन हुआ है एडी का, दाई एडी का, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट करके एक्स के जरिए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं और उनके जल्दी तंदुरुस्त होने की, यानी इससे उबरने की जो है शुभकामनाएं दी हैं। तो वहीं मोहम्मद शमी ने भी इसके जवाब में ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो कुछ अपना आभार व्यक्त किया है, जो कुछ उन्हें शुभकामनाएं दी हैं, उनका वो तहे दिल से स्वागत करते हैं और उम्मीद करनी चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी फिट होंगे। क्योंकि आपको याद दिला दें कि वनडे का जो वर्ल्ड कप था वो उनका आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला था अब तक खेले गए मुकाबलों में, जहां उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था उस वर्ल्ड कप में और उनको कुल मिलाकर 24 विकेट हासिल हुए थे 10.70 के औसत से। और उसके अलावा सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी बहुत ही शानदार गेंदबाजी थी जहां उन्होंने 7 विकेट चटकाए थे। इसी तरह से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में वो आखिरी बार उतरे थे टेस्ट क्रिकेट में और वहां ओवल टेस्ट में भारत को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन कुल मिलाकर मोहम्मद शमी उम्मीद की केंद्र में हमेशा रहते हैं, क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी जो अपोनेंट टीम उसके लिए विवश हो जाती है, अपने हथियार डालने के लिए विवश हो जाती है, वो काम मोहम्मद शमी बखूबी करते हैं। हम आपको ये भी याद दिला दें कि मोहम्मद शमी जब नहीं थे टेस्ट क्रिकेट के लिए उपलब्ध, नहीं थे रेड बॉल क्रिकेट के लिए, तो साउथ अफ्रीका दौरे में मुकेश कुमार को उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया गया था और वहीं आकाशदीप को यहाँ इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में, जो अभी टेस्ट संपन्न हुआ रांची में, वहां उन्हें मौका दिया गया। तो यानी युवाओं के लिए मौके बहुत मिले हैं, लेकिन शमी की कमी को शिद्दत से महसूस किया जा रहा है। क्या शमी उपलब्ध हो पाएंगे T20 वर्ल्ड कप में, ये सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है, क्योंकि इससे पहले वो IPL में नहीं खेल पाएंगे ये करीब करीब तय हो चुका है कि IPL में वो उपलब्ध नहीं होंगे। गुजरात टाइटंस की टीम के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन अगर वो T20 वर्ल्ड कप के लिए उपलब्ध हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ा चमत्कार होगा, क्योंकि जिस तरीके से ऋषभ पंत एक एक्सीडेंट के बाद, दुर्घटना के बाद, उन्होंने बहुत ही स्पीडी रिकवरी की है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। तो वही कुछ उम्मीद हम मोहम्मद शमी से भी कर रहे हैं। अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में जाकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।